हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आज हम क्या बनने वाले हैं देखो। फिर जाना सर आ गया तुम्हारा और एक नया वीडियो लेके, जो कि तुम्हारा कैपेसिटर का रिलेटेड है। पूरा क्लियर? ओके। सो हम लास्ट वीडियो में कैपेसिटर में बोला था पहले आपको, पहले हम कैपेसिटर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। सो कैपेसिटर का जो पहला वाला वीडियो में हम सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन आपका ट्यूनिंग पर कैपेसिटर, पैरेलल पर कैपेसिटर में डिस्कस कर दिए। ओके। सो आज हम पढ़ेंगे देखो कैपेसिटर का कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे देखो। आज हम पढ़ेंगे देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। आई बात समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। सो कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों जो प्लेट होते हैं उनके अंदर अगर मैं कोई भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब जो कि एक तो मीडियम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होगा जैसे डाइलिटिक स्लैब का मतलब क्या है। डाइलिटिक स्लैब का मतलब बेटा, जैसे कि देखो, सपोज मैं यहां पर एक तो कैपेसिटर ले लिया, एक तो पॉजिटिव प्लेट, एक तो नेगेटिव प्लेट। आई बात समझ में? सो अगर मैं इन दोनों के अंदर कुछ भी दूसरा मीडियम नहीं डालूंगा तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? एयर मीडियम। आई बात समझ में? लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखो, सपोज कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सपोज ये हो गया देखो एक तो प्लेट, ये हो गया हमारा दूसरा प्लेट, इसको मैं अगर एक तो बैटरी के द्वारा कनेक्ट कर दी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है, पहले हम पढ़ चुके हैं। सो इन दोनों के बीच अगर मैं एक तो दूसरा मीडियम मैंने डाला, जिसका याद रखना बेटा हर कोई डाइलिटिक स्लैब का एक तो कॉन्स्टेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। आई ना समझ रहे? पूरा क्लियर? सो देखो यहां पर जो डायग्राम मैंने बनाया, मतलब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये जो डाइलिटिक स्लैब का सपोज थिकनेस क्या हो गया टी, एंड दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का जो सेपरेशन गैप है उसको हम ले लिया कितना? डी। पूरा क्लियर? सपोज ईच प्लेट का एरिया कितना हो गया हमारा ए। आई बात समझ में? सो मुझे बोल, देखो मैंने क्या लिखा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलिटिक स्लैब, इसको हम दो पार्ट में बेटा डिवाइड करेंगे। समझ में? मतलब पार्शियल एंट्री फर्स्ट में लिखे क्या है, पार्शियल एंट्री नंबर टू फुल्ली एंट्री ऑफ डाइलिटिक स्लैब, फुली एंट्री ऑफ डाइलिटिक स्लैब। सो क्या मतलब उसका देखो, अगर कोई भी डाइलिटिक स्लैब अगर मैंने पैरेलल प्लेट के अंदर अगर डाल दिया मैंने कुछ, अगर देखो ये पोर्शन में तुम्हारा क्या है बेटा, ए आर, ये पोर्शन में क्या है बेटा तुम्हारा ए आर। आई बात समझ में? ध्यान से देखना, पहले हम पढ़ेंगे पार्शियल एंट्री। ओके बेटा। सो अगर मैंने पार्शियल एंट्री कर दिया, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है डी, इतना पोर्शन कितना कट जाएगा मेरा टी। सो टी थिकनेस के अंदर मेरा डाइलेक्ट्रिक आ जा रहा है, लेकिन ये जो पार्ट, ध्यान से देखना, ये पार्ट एंड ये पार्ट, इन दोनों का तुम्हारा गैप कितना हो जाएगा? डी माइनस टी। आई बात समझ में? डी माइनस टी। सो अभी हमको पूछेगा एक पॉइंट याद रखना बेटा, अगर कोई भी कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तुम्हारा सी था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर सी है, मैं अगर उसके अंदर एक डाइलिटिक स्लैब को डाल दूंगा, सो मतलब उसका कैपेसिटेंस बेटा के टाइम्स बढ़ जाएगा। कितना टाइम बढ़ जाएगा? के टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके। सो पार्शियल एंट्री जब करेंगे हम तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आएगा समझ में? ध्यान से देखो बेटा। ओके। अगर मेरा डाइलिटिक स्लैब का कुछ थिकनेस दिया हुआ है एंड साइड में मेरा एयर गैप रहेगा,
मतलब इसको हम बोलेंगे कौन सा एंट्री है, पार्शियल एंट्री, मतलब फुल कवर नहीं हुआ है। कुछ पर्सन तुम्हारा डायरेक्ट मीडियम है, कुछ पर्सन तुम्हारा एयर मीडियम है। सो उसी केस में पहले फॉर्मूला को क्लियर करो। सो उसी केस में तुम्हारा कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, नोट करके, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, मेरा प्रीवियस जो शॉर्ट वीडियो है उसको आप फॉलो करो। देखो, सो ये जो पोर्शन है टी बाई के को बेटा बोलेंगे हम क्या, एआर इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, यू आर एआर इक्विवेलेंट। आएगा समझ में? सो ये जो थिकनेस ऑफ अ डाइलेटेड स्लैब डिवाइडेड बाय डाइलेटेड कांस्टेंट ऑफ द स्लैब, सो ये जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एआर इक्विवेलेंट। पूरा क्लियर? चलो, सो ये हो गया मेरा कौन सा केस में, अगर मेरा डाइलेटेड स्लैब पार्शियल एंट्री हुआ। चलो सेकंड वाला केस में देखो, अगर अभी डाइलेटेड स्लैब को मैं कंप्लीटली एंट्री कर दूंगा बेटा, क्लियर कैसे? देखो ये हो गया मेरा पैरेलल प्लेट, ये हो गया बैटरी, ओके। अगर ये टोटल पार्ट जितना भी बेटा मेरा गैप है, जितना भी मेरा गैप था, मतलब डी था, दोनों प्लेट के अंदर जो डिस्टेंस था डी, मैं फुल डिस्टेंस को मैंने डाइलेटेड स्लैब जिसका डाइलेटेड कांस्टेंट के है, ध्यान से देखना, इसका पहला वाला केस का पार्शियल एंट्री, लेकिन अभी मैंने क्या किया, डायरेक्ट स्लैब को फुल्ली एंट्री कर दिया, मतलब इसके अंदर नो एआर मीडियम। ध्यान में रखना बेटा, इसका पहले केस में एआर था तो उसका फॉर्मूला अलग है, लेकिन अभी देखो, अभी एआर मीडियम नहीं, मतलब ये जितना गैप था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर, मैं उसके अंदर एक तो कंप्लीट फिल कर दिया, किसको, डायरेक्ट स्लैब को, जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है के। सपोज डायरेक्ट कांस्टेंट डालने से पहले ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था, लेट इट बी सी, मतलब कितना होता है पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। जब मैंने सिर्फ ए का कैपेसिटर रखा था तो उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन अभी अगर मैं डायरेक्ट स्लैब डाल दिया, सो कैपेसिटेंस कितना, न्यू कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा। मैंने आपको क्या, अगर कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी है, अगर मैं उसके अंदर एक तो डायरेक्ट स्लैब डाल दूंगा तो उसका कैपेसिटेंस कितना टाइम बढ़ जाएगा, याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, के टाइम से बढ़ जाएगा। सो पहले कितना था एप्सिलॉन जीरो नॉट ए बाई डी, अभी कितना टाइम बढ़ जाएगा, के टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ध्यान में रखना बेटा, सो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंट्री ऑफ डायरेक्ट स्लैब। आइए समझ में, पूरा क्लियर होने वाला है, ओके, धीरे धीरे पढ़ो लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। चलो, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, देखो ये दो कॉन्सेप्ट हो गया, पार्शियल फील्ड एंड कंप्लीट फील्ड के बारे में बेटा, ओके। सो अभी देखो, सपोज केस नंबर, केस थ्री, तीन नंबर केस में क्या पढ़ेंगे, देखो अगर इफ इफ फॉर डाइलेक्ट्रिक, इफ फॉर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो डायरेक्ट कांस्टेंट के इक्वल क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, क्या हो जाएगा बेटा, के इक्वल इंफिनिटी हो गया तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर फॉर कौन सा, फॉर पार्शियल फील्ड, फॉर पार्शियल फील्ड केस, फॉर पार्शियल फील्ड, क्लियर। सो देखो, मतलब पहले था कितना है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये था ना तुम्हारा, ओके। सो अभी कितना के जगह कितना डालेंगे, इनफिनिटी, दैट इंप्लाइज सी कितना आ जाएगा बेटा, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफिनिटी। सो ये का टोटल कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो कितना आ जाएगा तुम्हारा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। ध्यान रखना बेटा इसको, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा, कंडीशन दे देगा, इफ के इक्वल कितना, इनफिनिट हो गया, तो आइए समझ लें, क्लियर। ये तो केस हो गया, आप अच्छे से नोट करना, ये केस थ्री हो गया बेटा, सब थ्योरी कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। चलो तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं बस कोई भी किताब उठा के आपको बस चार पांच दस तो क्वेश्चन कर दूंगा न्यूमेरिकल, सो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तुम्हारा, थोड़ा अगर घुमा के दे देगा तो नहीं कर पाओगे, सो कॉन्सेप्ट अगले याद है तुम आराम से पढ़ोगे, ओके।
सो नेक्स्ट केस है बेटा केस नंबर फोर, आई बात समझ रहे। सो केस नंबर फोर में क्या लिखेंगे देखो, इफ k इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब डायरेक्ट कांस्टेंट इंफिनिटी है, क्लियर। एंड उसी केस में t इज इक्वल टू d, समझ में आया। थोड़ा घुमा के दिखा देता हूं नीट के लिए, जेई के लिए। k तुम्हारा हो गया इंफिनिटी एंड t कितना हो गया थिकनेस, मतलब थिकनेस ऑफ द डायरेक्ट स्लैब पूरा पैरेलल कैपेसिटी का जो गैप है उसके साथ समान, मतलब ये पार्शियल एंट्री ना कंप्लीट एंट्री हो गया, कंप्लीट एंट्री हो गया। ओके सो क्या लिखेंगे, c पहले कितना था, बिफोर तुम्हारा c कितना था एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस t प्लस t बाय k, पूरा क्लियर। आफ्टर डायरेक्ट स्लैब डालने के बाद आफ्टर कितना हो जाएगा, c इज इक्वल कितना हो जाएगा, बोलो आफ्टर c या c इक्वल कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाय देखो t इज इक्वल टू d, सो d माइनस d प्लस देखो d by t जगह कितना डालेंगे, t के जगह कितना डालेंगे d, d by कितना infinity, मतलब ये total कितना हो जाएगा infinity। आई बात समझ में, ध्यान में रखना बेटा ये बात को। अगर मेरा partial entry ना मतलब full entry हुआ है and मेरा k infinity just like the previous case and the thickness of the direct slab is equal to the separation between the parallel plate capacitor, आई बात समझ में। चलो ये हो गया हमारा केस नंबर फोर। उसके बाद देखो अभी तक हम कितना डायरेक्ट स्लैब डाल रहे थे, कितना डायरेक्ट स्लैब, एक ही डायरेक्ट स्लैब। अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा कैसा, देखो फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बैटरी के द्वारा कनेक्टेड है, आई बात समझ में। ये मेरा प्लस प्लेट है पॉजिटिव प्लेट, ये मेरा नेगेटिव प्लेट, आई बात समझ में। पूरा क्लियर मी, ये जो गैप है मतलब जो एयर गैप है, ध्यान में देखो अभी कुछ भी डायरेक्ट स्लैब मैंने नहीं डाला, कुछ भी डायरेक्ट स्लैब मैंने नहीं डाला। ओके सो इसके अंदर क्या रहेगा, एयर मीडियम रहेगा। मैंने अभी क्या किया, ये जितना एयर गैप था मैं उसके अंदर एन नंबर कितना बोलो एन नंबर ऑफ डायरेक्ट स्लैब डाल दूंगा। देखो देखो ये जो कॉन्सेप्ट बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, ये नॉट ओनली तुम्हारा प्लस टू के लिए, तुम्हारा प्लस टू जो ट्वेल्थ के लिए नहीं है, ये ट्वेल्थ मैं आज के टाइम तुमको इंटीग्रेटेड फॉर्म में पढ़ा देता हूँ, मतलब तुम्हारा 12th के लिए भी जरूरत होगा एंड तुम्हारा नीट एंड जेई के लिए ना नाइजर के लिए भी जरूरत होगा, पूरा क्लियर। सो देखो ये जो गैप है मैंने फर्स्ट डायरेक्ट स्लैब डाला जिसका थिकनेस है टी वन, डायरेक्ट कॉन्स्टेंट के वन, उसके बाद सेकेंड डाला के टू थिकनेस टी टू, इसके जैसा नंबर सब मैंने डाला। लास्ट जो डायरेक्ट स्लैब है बेटा, लास्ट का जो डायरेक्ट स्लैब है एन नंबर जो है, सपोज उसका मैंने लिया के एन, उसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट कितना लिया के एन एंड थिकनेस को कितना लिया है टी एन, आई बात समझ में। पूरा क्लियर ओके। ईच प्लेट का एरिया कितना है ए है एंड डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारा पैरेलल प्लेट दोनों कैपेसिटर प्लेट के अंदर डिस्टेंस कितना है डी है, आई बात समझ में बेटा। ओके सो तुमको पूछेगा कि ये जो अरेंजमेंट हो गया मतलब पहले तुम्हारा एयर कैपेसिटर था, अभी उसके अंदर मैंने एन नंबर ऑफ डायरेक्ट स्लैब जिसका थिकनेस सब अलग अलग है, तुम बोलोगे सर क्या हमेशा थिकनेस को अलग अलग देगा क्या, अरे अरे तुम अगर अलग अलग टी एन नंबर तक तुम निकाल दोगे, सो अगर तुमको पूछेगा हर कोई डायरेक्ट स्लैब का जो थिकनेस है वो सेम है तो उसी इक्वेशन से आ जाएगा तुम्हारा, अरे समझ में। कैसे देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, c कितना होगा टोटल, c इक्वल कितना होगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय देखो सेपरेशन कितना है बेटा d, तो क्या लिखेंगे d माइनस देखो अभी अगर ये n नंबर ऑफ डायरेक्ट स्लैब है तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस t2 डॉट डॉट कितना tn ब्रैकेट प्लस प्लस वही फार्मूला वही बेसिक फार्मूला को डोंट फॉरगेट ओके वही फॉर्मूला से पर सॉल्व निकलेगा c इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस t1 t2 d माइनस t लिखना था। अगर एक डायरेक्ट स्लैब होता बेटा उसका थिकनेस t होता तो हम क्या लिखते d माइनस t, अभी मेरे पास कितना डायरेक्ट स्लैब है n नंबर डायरेक्ट स्लैब है सो t1 plus t2 सबका थिकनेस मिला रहे d माइनस t प्लस देखो क्या लिखेंगे उसका जो एयर इक्विवेलेंट कितना रहेगा t by k, लेकिन अभी क्या लिखेंगे t1 by k1 plus t2 by k2 plus da 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 to tn upon k, हो गया फॉर्मूला आराम से। ओके
सो ये हो गया तुम्हारा अगर एयर नंबर ऑफ डायलिस ऑफ डिफरेंट थिकनेस। अगर तुमको बोलेगा यहां से सब्स्टिट्यूट करके इफ कंडीशन क्या देगा बेटा, इफ T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू TN इज इक्वल टू कितना T, मतलब हर कोई डायलिस स्लैब का जो थिकनेस है बेटा वो तुम्हारा अगर सेम हो गया तो यहीं पे डाल दो आराम से T T T T, मतलब कितना हो जाएगा NT। मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना, सो मतलब टी प्लस टी प्लस सबका सेम ना, कंडीशन मैंने दे दिया T1 जितना T2 उतना TN भी उतना है, सो TN। सो एक कलम का दाम ₹2, एक नंबर कलम का दाम कितना होगा आराम से, सो TN आराम से डाल, सो दिस इज योर मेन फॉर्मूला। अब समझ में, चलो ये हो गया एक तो कांसेप्ट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे। सो ये चलेगा तुम्हारा डाई, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्लैब का वेरियस, मतलब पार्शियल एंट्री फुल एंट्री वन डायरेक्ट स्लैब एक नंबर डायरेक्ट स्लैब। अब समझ में, अभी जो तुम्हारा देखो ये पर्टिकुलर आता है तुम्हारा नीट एंड जेई में आता है बेटा। ओके क्या लिखेंगे, नंबर वन केस वन में क्या, होराइजॉन्टल एंट्री ऑफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, होराइजॉन्टल एंट्री ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू, होराइजॉन्टल एंट्री ऑफ डाइलेक्ट स्लैब मतलब कैसा देखो, सपोज मैंने एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए, ओके ध्यान से देखना बेटा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया मेरा क्या नेगेटिव प्लेट, मैंने एक तो दो तो डाइलेक्ट स्लैब, दो तो डाइलेक्ट स्लैब मैंने देखो, इसका एरिया ए इसका भी एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर कितना है डी, आराम से पूरा क्लियर। मैंने अभी ये जो गैप है बेटा इसके अंदर मैंने ऐसे देखो ऐसे एंट्री किया डायरेक्ट स्लैब को, ऐसे ऐसे होराइजॉन्टली वर्टिकली होराइजॉन्टली एंट्री मार दिया मैंने। सो उसका डायग्राम कैसा हो जाएगा, सपोज देखो ये तो तुम्हारा डायरेक्ट स्लैब हो गया जिसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट कितना है K1 है, सपोज ये वाला जो है सेकेंड जो डायरेक्ट स्लैब है उसका सपोज डायरेक्ट कॉन्स्टेंट कितना हो गया बेटा K2, बड़ा क्लियर। ओके सो तुमको बस यहीं पर पूछेगा बेटा ये जो कॉम्बिनेशन हो गया इसका रेजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना है, कैसे अरेंज हुआ है सर, हमको कैसे मालूम चलेगा कितना तुम्हारा कैपेसिटर है, ध्यान में रखना बेटा रूल क्या है देखो, फॉर मैं यहीं पर लिखता हूँ नोट करके रखना बेटा, फॉर होराइजॉन्टल एंट्री ऑफ स्लैब, अगर होराइजॉन्टल एंट्री होता है बेटा कुछ भी, देखो इधर तुम कंफ्यूज मत होना, इधर मैंने दो को स्लैब डाला, अगर तुम बोले सर अगर एक नंबर डाल दे तो सेम रूल है बेटा, सेम रूल पूरा सेम, मैंने दो के लिए दे रहा हूं आपको पांच के लिए देगा, टेंशन नहीं। ओके क्लियर, चल बस तुमको बस उसका कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ओके कल जब फॉर होराइजॉन्टल एंट्री ऑफ स्लैब देखो ये देखो ये देखो अभी ये पॉजिटिव प्लेट है, सो यहां पर इंडक्शन होके यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ये एक तो कैपेसिटर हो गया एंड ये भी एक तो कैपेसिटर हो गया। ओके आप लोग पढ़े होंगे कूलम्स लॉ में इंडक्शन कंडक्शन एंड इंडक्शन ऑफ चार्ज, पूरा क्लियर, कंडक्शन मतलब क्या है हायर चार्ज से लोअर चार्ज को जाएगा, लेकिन इंडक्शन मतलब सपोज एक साइड में पॉजिटिव आएगा सो उसका दूसरा साइड में क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, उसको क्या बोलेंगे इंड्यूस चार्ज, जो कि ओरिजिनली नहीं होता है लेकिन इंड्यूस होके आता है, पूरा क्लियर। सो अभी देखो पहले मेरा कितना कैपेसिटर था जब मैंने डायरेक्ट स्लैब नहीं घुसाया, सो कितना कैपेसिटर था एक कैपेसिटर, लेकिन अभी जब मैंने दो डायरेक्ट स्लैब एंटर मार दिया तो अभी कितना तो कैपेसिटर हो गया बेटा दो ठो, लेकिन यहाँ पर क्या गलती हुआ देखो स्लैब देखो हर जो दो कैपेसिटर बना उसका एरिया बेटा चेंज नहीं हुआ, एरिया रिमेन कॉन्स्टेंट, देन एरिया रिमेन कॉन्स्टेंट बट पहला वाला डिस्टेंस कितना था डी, लेकिन अभी ये जो डिस्टेंस है बेटा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, मतलब मैं मिडिल में डाला है सो मतलब ये कितना है डी बाई टू एंड ये भी कितना हो जाएगा बेटा डी बाई टू, सो मतलब एरिया कॉन्स्टेंट बट डी इज डिवाइडेड। आई बात समझ में, एंड मेन जो चीज है
अभी दो तो कैपेसिटर हो गया मेरे पास। सो ये जो दो तो कैपेसिटर है याद रखना बेटा, अगर तुम्हारा होराइजेंटल एंट्री हुआ है, ध्यान में रखने का, अगर तुम्हारा होराइजेंटल एंट्री हुआ है सो जितना भी कैपेसिटर आएगा, जितना भी एन नंबर चाहे, इधर में दो लिया है, अगर एन नंबर भी कैपेसिटर आ जाएगा, ओके, एंड ऑल दी कैपेसिटर्स, ऑल दी कैपेसिटर्स आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, आएगा समझ में, ओके। सो अभी देखो ये हो गया रूल तुम्हारा, ये नीट एंड जेई के लिए बेटा मैंने रूल बता दिया आपको। सो आराम से इसको लिख के बार बार कोई भी किताब उठा लो, आराम से हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। सो अभी हमको बस निकालना है, हम जानते हैं देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़े थे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है तुम्हारा रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटर्स लेते हैं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। सो अभी मेरे पास कितना कैपेसिटर है, दो टू, सो इसका सी टोटल कितना होगा, 1 बाय सी टोटल, मैं आके टाइम लिख देता हूं, आके टाइम लिख देता हूं, देखो सी टोटल इज इक्वल कितना हो जाएगा, सी1 इनटू सी2 अपॉन सी1 प्लस सी2, आएगा समझ में। सो ये हो गया मेरा दो कैपेसिटर, जब कैपेसिटर सी1 सी2 एंड बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, मैंने कंडीशन बता दिया होराइजेंटल एंट्री होगा तो क्या कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, आएगा समझ में। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में दो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, आएगा समझ में। सो अभी तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन के साथ C1 का वैल्यू कितना है, अरे आराम से हो जाएगा, अभी मैं बोला था ना, देखो ये जो कैपेसिटर है, देखो ये जो कैपेसिटर है C1, C1 मतलब देखो उसका एयर, देखो किस लेंथ पैरेलल थे कैपेसिटर है, एप्सिलॉन 0 a, एरिया तो कांस्टेंट रहेगा बट मैं क्या बोला एरिया रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ये d डिवाइडेड है, सो एप्सिलॉन 0, लेकिन कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डायरेक्टली कांस्टेंट के डायरेक्टली स्लैब के प्रेजेंस में कितना टाइम्स बढ़ जाता है, उतना टाइम, मतलब जितना डायरेक्टली कांस्टेंट रहेगा उतना टाइम बढ़ जाएगा, इसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है, k1 है, सो क्या है एप्सिलॉन 0 a k1 / d / 2, आराम से। सो ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आ गया, अभी सिमिलरली सेकंड का कितना आएगा बोलो, एप्सिलॉन 0 a k2 / d / 2, ओके, एस किसी टू इक्वल एप्सिलॉन 0 a k2 / d / 2, आई बस समझ में, ये जो c1 c2 बेटा तुम निकाल दोगे बस, टोटल फार्मूला क्या है तुम्हारा c1 c2 / c1 प्लस, आराम से डाल देना, आई बस समझ में। चलो ये हो गया कौन सा एंट्री है, होराइजेंटल एंट्री, अभी देखो सेकंड, इसका तो सेकंड केस बेटा, सो उसको कैसे लिखेंगे, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, सीरीज में क्या बोला बेटा एरिया रिमेन कांस्टेंट, होराइजेंटल एंट्री में एरिया रिमेन कांस्टेंट बट डी इज डिवाइडेड, ओके। सो अभी केस 2, तुम्हारे केस 2 में क्या होगा, वर्टिकल एंट्री, वर्टिकल एंट्री, वर्टिकल एंट्री ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, वर्टिकल एंट्री ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, आई बात समझ में। सो डायग्राम बनाएंगे, सपोज सेम तरफ का करेंगे, ये वाला है दो प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने देखो ये पहले देखो डिस्टेंस कितना है बेटा, वही जैसा डी, एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट कितना है बेटा ए, आई बात समझ में, ओके बेटा। चलो सो अभी हम क्या करेंगे, देखो एस से एंट्री करेंगे, उसका प्रीवियस वाला कैसे कर रहे थे होराइजेंटल एंट्री, अभी कैसे करेंगे वर्टिकल एंट्री, मतलब ये जो पार्ट हो गया ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट स्लैब के1, एंड ये जो वाला हो गया स्पेस, इसका सपोर्ट डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है के, पूरा क्लियर बेटा। लेकिन देखो इसका पहले वाला केस में होराइजेंटल एंट्री होता, अभी क्या होगा वर्टिकल एंट्री, सो देखो ये जो देखो ये अभी तो कैपेसिटर हो जाएगा, ये भी एक तो कैपेसिटर हो जाएगा, पूरा क्लियर, ड्यू टू इंडक्शन ऑफ चार्ज। लेकिन डिफरेंस क्या बेटा, होराइजेंटल एंट्री में एरिया कांस्टेंट डी डिवाइडेड है, लेकिन बेटा वर्टिकल एंट्री में देखो एरिया डिवाइड हो गया, ये जितना एरिया था प्लेट का आधा हो गया C1 के लिए, आधा हो गया तुम्हारा किसके लिए C2 के लिए, लेकिन बेटा कौन कांस्टेंट रह जाए D, D चेंज करो, ये D 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 बस हो गया। सो क्या लिखेंगे रूल, फॉर वर्टिकल एंट्री, फॉर वर्टिकल एंट्री ऑफ डाई इलेक्ट्रिक
स्लैब, वर्टिकल एंट्री ऑफ डाइलिंग स्लैब क्या लिखेंगे, द एरिया इज डिवाइडेड, एरिया इज डिवाइडेड बट डी रिमेंस क्या है कॉन्स्टेंट। रूल को बेटा ध्यान से रखना, ध्यान में रखना रूल क्या है, रूल जानोगे तभी तो आप अच्छा कर पाओगे एंट्रेंस में, अगर समझ में। ओके सो दैट डी कांस्टेंट एंड देखो अभी मेरे पास कितना कैपेसिटर है, पहले था एक, जब मैंने डायरी स्लैब एंट्री कर दिया सो कितना कैपेसिटर बन गया दो। सो मुझे क्या करना है, देखो हॉरिजॉन्टल एंट्री में सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा था लेकिन वर्टिकल एंट्री में एंड बोथ एंड ऑल देखो, अगर इधर में दो कर दिया होता एन नंबर कैपेसिटर दे दिया एंड ऑल द टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, जितना डाटा उसी हिसाब से निकल गए, ऑल द कैपेसिटर्स, all the capacitors are joined in parallel manner, parallel aisa samajh lo beta। okay so matlab dekho abhi mujhe nikalna hai, ye to rule maine bata diya, vertical entry mein area divided ho jayega, idhar tha idhar, dekho pehle tha a abhi kitna ho jayega a by 2, iska bhi kitna ho jayega a by 2, aisa samajh। लेकिन ये जो d वाला है डिस्टेंस जो है पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर वो रिमेन कांस्टेंट। सो हम क्या लिखेंगे बेटा, बोलो c1 का वैल्यू कितना है, देखो k डायरेक्ट कांस्टेंट है मतलब आंख बंद करके तुम लिखा है कैपेसिटेंस k1 टाइम्स बढ़ जाएगा। सो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया एप्सिलॉन 0, लेकिन ये नहीं बेटा क्या लिखेंगे a/2 k1 / d। आराम से सिमिलरली C2 कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू इंटू के टू अपॉन डी हो गया। जस्ट क्या मैंने किया है, पहला केस में D को डिवाइड किया, इस केस में मैंने एरिया को डिवाइड कर दिया, उधर सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा था इधर क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो कितना हो गया C टोटल, C टोटल इज इक्वल बेटा C1 प्लस C2। ओके ये वैल्यू को इधर डाल दो बस अभी आंसर सिंपलिकल क्वेश्चन कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। ओके चलो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल एंट्री एंड वर्टिकल एंट्री ऑफ कैपेसिटर, राइट क्लियर बेटा। चलो उसके बाद हम पढ़ेंगे देखो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पूरा क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा इधर मैंने एक तो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर लगा दिया, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, कैपेसिटेंस कितना कितना है C, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, बैटरी का पोटेंशियल बेटा कितना है V वोल्ट, कितना है V वोल्ट। ओके सपोज सेल से तुम्हारा कितना चार्ज आ रहा है Q कूलम चार्ज, आई बात समझ में। ओके सो मतलब इजी क्वेश्चन है जो तुम्हारा 12th में काम, 12th का जो काम बोर्ड एग्जाम है वहां पर पूछता है। सब कैपेसिटर का कैपेसिटर दे दिया एंड बैटरी का पोटेंशियल दे दिया, सो तुम जानते हो बैटरी इज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, बैटरी इज व्हाट स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। सो कितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो रहा है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर यू इज इक्वल टू हाफ इनटू सी इनटू क्या है वी स्क्वायर, आएगा समझ में। सो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, लेकिन तुम बोल के साथ एनर्जी का क्या एक ही बस फॉर्मूला है ना, तुम जानते हो Q कितना है C into V, अरे हम पहले से पढ़े थे ना चार्ज कैपेसिटेंस और पोटेंशियल रिलेशन क्या है, चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। सो देखो इसको और एक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को अगर चार्ज में दिया है तुमको तुम कैसे लिखोगे Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये दूसरा वाला फॉर्मूला होता है। सो अगर C भी फॉर्म में दिया है सो एनर्जी को इसी फॉर्मूला में निकालो, अगर मैंने चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है सो इसी फॉर्मूला में निकालो। ये तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड के लिए, आराम से न्यूमेरिकल क्लास में हम करेंगे, टेंशन मत लो, पहले थ्योरी का फॉर्मूला का नजर रखो, बस ये हो गया एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, आई बात समझ में। चलो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे देखो कंसेप्ट ऑफ, देखो उसके अंदर पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल, आएगा समझ में, आएगा समझ में।
ओके सो कॉमन पोटेंशियल जैसे हम बोलते हैं ना वी आर कौन सा पीपल के कॉमन पीपल मतलब जिसको क्या बोलते हैं उसको बोलिए हम जो साधारण बोलते हैं ओके सो सपोज मैंने दो कैपेसिटेंस लिया एक का कैपेसिटेंस है सी वन उसको मैंने चार्ज कर दिया वी वन पोटेंशियल तक दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है सी टू मैंने उसको चार्ज कर दिया कितना पोटेंशियल तक वी टू बोला के आया समझ में मैं अभी क्या करूंगा बेटा ध्यान से देखना ये भी तुम्हारा नीट नीट जेई का कंसेप्ट है बोला के ओके सो दो कैपेसिटर मैंने लिया दोनों का कैपेसिटेंस मुझे दे दिया दोनों का पोटेंशियल भी दे दिया अभी मैंने क्या करूंगा देखो ये दोनों कैपेसिटर को मैं एक वायर के द्वारा उसको कनेक्ट करूंगा आई बात समझ में क्या क्या बने दोनों कैपेसिटर इसको क्या बोलेंगे चार्ज्ड कैपेसिटर इसको क्या बोलेंगे बेटे चार्ज्ड कैपेसिटर ओके चार्ज्ड कैपेसिटर सो दोनों चार्ज कैपेसिटर को जब मैंने एक वायर के द्वारा कनेक्ट कर दूंगा बेटा ध्यान में रखना झरना जब गिरता है सो नीचे से ऊपर जाता है ना बेटा ऊपर से नीचे आता है मतलब हायर हाइट से लोअर हाइट आता है क्या बोलेंगे हायर हाइट से लोअर हाइट सो मतलब सिमिलरली ये भी चार्ज कैपेसिटर है ये भी चार्ज कैपेसिटर है लेकिन चार्ज का इनहेरेंट टेंडेंसी बेटा क्या आ रहा है जानते हो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को चलेगा कब तक जब तक दोनों का चार्ज पोटेंशियल सेम है आई बात समझ में पढ़ाके सो देखो इसका हो गया सी वन वी वन इसका हो गया सी टू वी टू जब मैं जॉइन कर दूंगा सो दोनों का एक तो क्या आ जाएगा रे कॉमन पोटेंशियल क्या आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल ओके उसी वी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपन सी वन प्लस सी टू ध्यान रखना बेटा ओके सो उनको डायरेक्ट दे देगा सी वन दे देगा वी वन दे देगा सी टू वी टू तुमको पूछेगा अगर मैंने दोनों कैपेसिटर को वायर की तरह कनेक्ट कर दिया तो उसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा आई बात समझे लेकिन इधर ट्विस्ट है बेटा क्या ट्विस्ट है देखो नोट में बनाया नोट ओके अगर देखो अगर दो डिसिमिलर प्लेट समझ में अगर दो डिसिमिलर प्लेट मतलब देखो प्लस माइनस ये कैपेसिटर का मैंने और एक डायग्राम बना देता हूं आपको आसान हो जाए सेम कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा घुमा देगा वो क्वेश्चन कैसे अगर नोट में लिखना बेटा नोट में इफ द ऑपोजिट प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑपोजिट प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड ऑपोजिट प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर कनेक्टेड देन द कॉमन पोटेंशियल will be common इज इक्वल सी वन वी वन देखो बेटा कैसा है डायग्राम कैसा रहेगा रे ये वाला एक तो वायर के द्वारा मैंने कनेक्ट करता है प्लस माइनस मतलब ऑपोजिट प्लेट कनेक्ट हो जाएगा ओके ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी वन है पोटेंशियल वी वन है इसका सी टू है पोटेंशियल कितना वी टू है मैंने बोला क्या ऑपोजिट प्लेट्स अगर कनेक्ट कर दिया मैं ऑपोजिट एक कैपेसिटर नेगेटिव एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेस कर दिया सो वी कॉमन कितना हो जाएगा जानते हो वी कॉमन हो गया देखो इज इक्वल टू सी वन वी वन माइनस सी टू वी टू बाय सी वन प्लस ध्यान में रखना ये एंट्रेंस में आता है बेटा तुमको डायग्राम करके दे देगा नहीं तो कंडीशन लिख देगा अगर अपोजिट प्लेट्स आर कनेक्टेड ओके बेटा चलो ये हो गया तुम्हारा कॉमन पोटेंशियल का दो दो फॉर्मूला ध्यान में रखना पूरा क्लियर उसके बाद देखो बेटा देखो ये जब दो कैपेसिटर कंडीशन कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज
ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज मतलब क्या है देखो, शेयरिंग मतलब क्या देखो, सपोज मैं दो तो कैपेसिटर को मैंने एक तो वायर के द्वारा कनेक्ट कर दिया, इसका कैपेसिटर C1 है, पोटेंशियल V1 है, इसका C2 है, पोटेंशियल का V2 है। सो देखो ये जो चार्ज जब हायर पोटेंशियल, मैंने क्या बोला, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को चार्ज फ्लो करेगा, पूरा क्लियर। लेकिन जब चार्ज फ्लो करेगा सो कौन सा मीडियम से फ्लो करेगा, मतलब एक तो हायर रहता है ना उसको, एक तो मीडिया रहता है उसको, सो ये वायर के द्वारा वो ट्रांसफर होगा, ये वायर के द्वारा चार्ज ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में, ध्यान से देखना, जब वायर के द्वारा चार्ज सेंड होगा बेटा, सो जो वायर है वो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा, पूरा क्लियर। जैसे तुम्हारे कोई घर में बल्ब जलता है, कुछ देर जलने के बाद तुम अगर इसको पकड़ लोगे तो कैसा लगता है, ठंडा लगता है ना, गर्म लगता है, गर्म लगता है, बिकॉज क्यों, सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट, पूरा क्लियर। सो सेम केस विल अपीयर हियर, ओके, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज बेटा, तो क्या होगा आपका, सम एनर्जी विल लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट के द्वारा कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। तुमको क्या पूछेगा, कितना एनर्जी लॉस होगा, जितना भी हीट के द्वारा लॉस होगा उसका वैल्यू कितना है। सो देखो मैंने लिखा चेंज डेल्टा यू मतलब चेंज ना लॉस्ट, सॉरी इसको लिखना है लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना चलेगा देखो, हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 + C2 होल इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। याद रखना बेटा, ये तुम्हारा प्लस टू में भी, 12th बोर्ड में भी आ सकता है, नीट में भी आएगा, जे में भी आएगा। सो एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 + C2 होल इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, चलो ध्यान में रखना इसको, हो गया, चलो उसके बाद लास्ट और एक कॉन्सेप्ट, आज का वीडियो में लास्ट जो कॉन्सेप्ट है उसका पढ़ के देखो, व्हीट स्टोन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट, व्हीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर, व्हीट स्टोन ब्रिज कैपेसिटर, नीट जेई तुम्हारा 12th में भी आएगा, ओके बेटा, ध्यान में रखना, आई बात समझ में। चलो देखो क्या है, क्वेश्चन बीच का मैंने देखो एक तो डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान में रखना बेटा, मैंने इसको C1 ये पॉइंट हो गया, सपोज ये हो गया A, ये हो गया B, आएगा समझ, ओके, सो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, ये हो गया C4, इसको मैंने ले लिया C5। इसको मैंने क्यों इंपोर्टेंट बोला बेटा, देखो इसका एक तो रूल है, ओके, सो जिसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो तुम्हारा एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारा काम करता है, याद करो, अगर तुम 12th वाले हो, अगर तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, कहां पर पढ़े थे तुम, किर्चॉफ्स लॉ, ओके, याद है व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े थे, लेकिन ये तो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर। सो कैपेसिटर में भी ये लग सकता है, कैसे देखो ध्यान में रखना बेटा, मैंने चार टोटल कैपेसिटर कितना लिए, 5 कैपेसिटर, ठीक है, C1 C2 C3 C4 एंड C5, ओके, ये टर्मिनल पॉइंट ए, ये टर्मिनल पॉइंट बी, क्लियर ना, देखो सो जो बैलेंस कंडीशन मेंटेन होगा, सो अभी क्वेश्चन आ रहा है कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जे मैं उसको बोलूंगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कैपेसिटर का प्रॉब्लम है रेजिस्टर में। देखो अगर इफ C1 / C2 इज इक्वल टू C3 / C4, ध्यान में रखना बेटा इसको, ये कांसेप्ट है, C1 / C2 इज इक्वल टू C3 / C4 अगर हो गया, सो देन
the circuit, then the circuit is balanced. The circuit is balanced. ध्यान में रखना अपना, ध्यान में रखना, खत्म नहीं हुआ है. मैंने क्या बोला, अगर कंडीशन हो गया बेटा C1 by C2 is equal to C3 by C4 हो गया, so this condition is called as क्या, balanced condition. छोटे बेटा जब ध्यान में रखो, जब balanced condition ये अगर हो गया मेरा, तो उसके बाद हम क्या लेंगे, देखो ये जो टर्मिनल है ये टर्मिनल दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. मतलब देखो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे, VB. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट. अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, सो मतलब ए टर्मिनल का पोटेंशियल जितना होगा बी टर्मिनल का पोटेंशियल भी उतना ही होगा बेटा. अगर मेरा पोटेंशियल बेटा दोनों का सेम हो गया, सो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देन देन VA माइनस VB बेटा कितना हो जाएगा, जीरो. अरे समझ नहीं पाए क्या, सपोज इसका पोटेंशियल हो गया V, ये टर्मिनल का, इसका भी कितना हो जाएगा बेटा V. सो ये भी V वोल्ट है, ये भी V वोल्ट है पोटेंशियल, सो उसका डिफरेंस कितना होगा रे, जीरो. आराम से फिर पॉइंट आ रहा है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, क्या बोला मैंने, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, सो मतलब ये ब्रांच में चार्ज बेटा कितना हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्यू भी कितना हो गया, जीरो. समझ में, अगर पोटेंशियल ऑब्वियस चीज है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया सो चार्ज भी कितना हो जाएगा, जीरो. लेकिन बोलो तो जब कैपेसिटर का पहला वीडियो मैंने बनाया, मैंने क्या बोला था, कैपेसिटर इज ए डिवाइस टू स्टोर सम चार्ज और एनर्जी. आई बात समझ में, अगर मेरा देखो ये कौन सा कैपेसिटर है, C5 कैपेसिटर, अगर उसी कैपेसिटर दे के अगर चार्ज बेटा मेरा जीरो हो गया, कितना हो गया, जीरो हो गया, सो मतलब सारा वो कैपेसिटर रहना नहीं रहना, उसका रखना नहीं रखना बराबर. सो मतलब इसको क्या करेंगे, हम डिस्कार्ड कर देंगे. सो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या चलेगा तुम्हारा, C5 कैपेसिटर इज डिस्कार्ड और रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड इज रिजेक्टेड. सो अभी देखो ये कैपेसिटर तो मेरा डैमेज हो गया, मतलब इसको नहीं रखेंगे. हमको क्या पूछा है, ये टर्मिनल सपोज पी, ये टर्मिनल है ना क्यू, सो पी क्यू टर्मिनल में मेरा टोटल टोटल मतलब रेजोनेंट कैपेसिटेंस कितना होगा. आई बात समझ में, सो देखो ध्यान से देखो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा. सो देखो ये देखो C1 एंड C2 कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज. क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, C1 एंड C2 आर इन सीरीज. पूरा क्लियर, ओके. सो उसका तुम्हारा जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है, सपोज मैंने लिखा है इसको सीरीज, सो दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, सो रिजल्टेंट कैपेसिटर कितना होगा, C1 C2 बाय C1 प्लस C2. ओके आराम से ध्यान से देखो, सो इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया कितना, C1 C2 बाय C1 प्लस C2. नीचे के लिए चलो, ये जो कैपेसिटर दोनों है, अगर ये दोनों सीरीज हो जाएंगे बेटा, सो ये दोनों क्या आ जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे. फिर क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, C3 एंड C4 आर इन सीरीज. ओके, सो सीरीज में करने से मतलब सीरीज का फॉर्मूला डालेंगे. ओके, सो सपोज इन दोनों का रिजल्टेंट जो है, सपोज मैंने लिया उसको C" ब्रैकेट, सो C" कितना चलेगा उसके जैसा, क्या बोलेंगे, C3 C4 अपन C3 प्लस C4, जस्ट लाइक C1 C2. आराम से उसके बाद देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया, इन दोनों का रिजल्टेंट मिल गया. फिर अभी क्वेश्चन आ रहा है सर, C1 C2 का रिजल्टेंट एंड C3 C4 का रिजल्टेंट कैसे कनेक्टेड है, कैसे सर कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो क्या लिखेंगे, टोटल टर्मिनल सी टोटल इज इक्वल कितना हो जाएगा, बोलो, इनका प्लस इनका रिजल्टेंट को पैरेलल का फॉर्मूला डाल देना है. सो क्या लिखेंगे,
सी डी एस प्लस सी डबल एस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे सी वन सी टू अपन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सी फोर अपन सी थ्री प्लस सी फोर। आई बात समझ में बेटा? ओके ओके आराम से। सो बेटा आज के लिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं, उसका और एक तो क्लास हम लेंगे और एक तो थ्योरी वीडियो के बाद हम उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके लेकिन बेटा हमेशा याद रखो अभी तुम्हारा नीट एंड जे के पूरा ट्रेंड अलग कर दिया है बेटा। ओके सो वो लोग ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल को नहीं करते हैं, वो थ्योरी क्वेश्चन आजूबाजू न्यूमेरिकल फोकस करते हैं। सो डोंट इग्नोर द क्या थ्योरी क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक क्वेश्चन में डाल देता है, तुम वेव ऑप्टिक्स में पढ़े यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब फ्रिंज विड्थ कितना है, सेंट्रल मैक्सिमा से तुम्हारा डार्क फ्रिंज का लेंथ कितना है, पाथ डिफरेंस कितना है एंड लाइट फ्रिंज का कितना डिस्टेंस है। ओके सो मतलब तुमको ये जो थियोरी वाला क्वेश्चन बच्चे लोग को ज्यादा दिक्कत करता है। न्यूमेरिकल मतलब कोई भी किताब से मतलब 50 क्वेश्चन कर देने से आराम से तुम कर पाओगे, लेकिन बेटा जस्ट केयरफुल अबाउट योर थियोरी क्वेश्चन पूरा क्लियर। ओके सो आई थिंक आज मैंने जितना आपको कॉन्सेप्ट बताया आप अच्छे से उसको पढ़ो, क्लियर नोट बनाओ, अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जस्ट मेक ए मैसेज टू मी। ओके कमेंट में लिखो, डेफिनेटली जना साहब तुमको हेल्प करेगा। ओके सो चलो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।